मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले बार हम बात कर रहे थे अबाउट स्पेशल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है, डेफिनेशन, कुछ कंडीशंस जिनके बारे में हम टेरिटोफाइट्स में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेरिटोफाइट्स जो हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस प्लांट्स हैं जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए हमने इनको नाम दिया था वैस्कुलर क्रिप्टोबियम्स। मीन्स ऐसे सीडलेस प्लांट्स जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि जो सीडलेस प्लांट्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, लेकिन उनके एल्गी और ब्रायोफाइटा में जो है वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। जो हायर वैस्कुलर प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में ही सीड का फॉर्मेशन होता है। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम जो वर्ड यूज किया था हमने, वो टेरिडोफाइटा के लिए मैंने आपको बताया था कि एक और पॉपुलर नेम है वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। एक और टर्म जो टेरिडोफाइट्स के लिए जनरली यूज किया जाता है वो है रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, दे आर ऑल्सो नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइटा का जो स्टैम होता है हम सब जानते हैं क्रीपिंग है, जमीन के साथ सबटेरेनियन राइजोम होता है, अंदर अंदर ये स्टेम चलता रहता है और उसमें से फिर इरेक्ट पार्ट का फॉर्मेशन होता है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है जिनके ऊपर लीव्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर ये जमीन के अंदर क्योंकि इस तरह से ग्रो करता रहता है, दिस इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एड रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। कुछ लोग इनको अभी भी एम्फीबियंस भी कहते हैं, हालांकि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हम ब्रायोफाइटा के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनके लिए टर्म यूज की जाती है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइटा लैंथ प्लांट्स हैं, बट दे आर नॉट ट्रू लैंथ प्लांट्स बिकॉज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दे नीड एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर की जरूरत पड़ती है जो कि एक्सटर्नली उनको अवेलेबल होना चाहिए। आप जानते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मेन गैमेट होता है वो तैर के जाता है एग तक, तभी जाके फर्टिलाइजेशन का एक्ट होगा। तो फ्री वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू बी टेकन प्लेस। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्री वाटर की अवेलेबिलिटी इनको हम ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं कह सकते। तो टेरिडोफाइटा पॉपुलर नेम, एक और फर्न्स इनको कहा जाता है जिनका पॉपुलर नेम है वो है फर्न्स, जो हायर ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लास्ट का जो सबसे एडवांस डिवीजन है फेलिकोफाइटा जिसकी हम बात करते हैं, उसके जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो फर्न्स कहलाते हैं। बड़े फ्रॉन्स लीफ लाइक फ्रॉन्स जो होती है, फ्रॉन्स मैंने आपको बताया था बड़ी बड़ी क्यूमुलेटिवली कंपाउंड लीव्स होती है, और इसी वजह से इनका नाम भी पड़ा था टेरिडोफाइटा, टेरॉन लीव्स फैदर लाइक प्लांट्स। अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें फिर आगे जाके दो ग्रुप हम बना देते हैं, दो टर्म्स और यूज की जाती है, एक होता है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, एक होता है मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस एग्जाम में पूछा जाता है माइक्रोफिली क्या होती है, मेगाफिलस कंडीशन क्या होती है, माइक्रोफिलस कंडीशन क्या होती है, मेगाफिलस कंडीशन क्या होती है। माइक्रोफिलस जैसा कि नाम है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और फिलस का मतलब है लीव्स, वो टेरिडोफाइट जिनके अंदर छोटी पत्तियां होती है, सिंपल लीफ होगी जिसके अंदर सिंगल व्हील होगा, और इस लीफ के फॉर्मेशन से जो हमारा मेन स्टेम का जो स्टील है उसके अंदर लीफ के कैप का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो लीफ कैप इज फॉर्म, लीफ कैप नहीं बनता है। और जनरली जब बात की जाती है तो जो छोटे और बड़े पत्तियों की बात करते हैं हम कहते हैं स्मॉल माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स वो हैं वो जिनकी पत्तियां तने से छोटी होती है, when the size of the leaf is smaller than the stem then it is known as microphyllous condition। हालांकि सही कंडीशन नहीं है, सही कंडीशन ये है कि स्मॉल होगी ऑफ कोर्स, सिंपल लीफ होगी, लेकिन उसके साथ साथ लीफ कैप का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जो मेन स्टेम का जो स्टेम का स्टील है उसके अंदर लीफ कैप नहीं बनना चाहिए, लीफ के बनने से तो माइक्रोफिलस। इसी तरह से मेगाफिलस, मेगा मीन्स लार्ज, फिलस मतलब लीव, जब पत्तियां बड़ी होती है, बड़ी कैसे होती है, तने से, जब जनरली पत्तियां तने से साइज में बड़ी हो, और ऐसी लीव्स और इन लीव्स के फॉर्मेशन से आप जानते हैं जब लीव बनती हैं
क्या होता है, इनके लिए फॉर्मेशन से लीफ गैप का फॉर्मेशन होता है। ऐसी लीव्स जब बनेंगी तो स्टेम का जो पार्ट होगा वो दो, उसके अंदर एक गैप का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसे हम कहते हैं लीव गैप। तो जब लीव के गैप बन जाता है तो जो लीव बनती है उनको कहते हैं मेगाफिलस लीव, मेगाफिलस कंडीशन, और ऐसे टेट्रापॉड्स मेगाफिलस टेट्रापॉड्स कहलाते हैं। माइक्रोफिलस इकोसिस्टम है हमारे कोर्स में, आप जानते हैं लाइकोपोडियम है और स्लाइजन है, इन तीनों में ये कंडीशन है। आप उसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन माइक्रोफिलस कंडीशन, माइक्रोफिलस कंडीशन क्या होती है विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप बताएंगे, छोटी पत्तियां होंगी, सिंपल लीव होगी और नो लीव गैप फॉर्मेशन, लीव गैप का फॉर्मेशन नहीं होगा, और उसका एग्जाम्पल होगा एक सिस्टम हो सकता है लाइकोपोडियम हो सकता है स्लाइजन। मेगाफिलस इसको उल्टा बड़ी पत्तियां और जितने भी फर्न्स हैं से कैरेनियम वगैरह, इन सबको आप थोड़ा सा याद रखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जब पूछा जाएगा तो फर्न्स जितनी भी हैं उनके अंदर आप देखते हैं जो कंडीशन है वो मेगाफिलस कंडीशन है, मीन्स बड़ी लीव्स हैं उनको फॉर्मेशन की वजह से लीफ गैप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो माइक्रोफिलस मेगाफिलस दो कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स हमने बना रखा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको याद रखना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, होमोस्पोरी एंड हेटरोस्पोरी, होमोस्पोरी एंड हेटरोस्पोरी। एग्जाम में पूछा जाता है होमोस्पोरी क्या होती है, हेटरोस्पोरी क्या होती है, उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हैं होमोस्पोरी, होमोस्पोरस कंडीशन वो होती है जब किसी प्लांट के अंदर, एक ही पादप के अंदर जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं वो सब एक से है, सेम, होमो का मीन्स सेम, सेम टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स हैं पादप द्वारा बनाए जा रहे हैं वो सब एक है। सेम कैसा, सेम मतलब उनका साइज भी सेम है और उनका फंक्शन भी सेम है। इसका उल्टा होता है हेटरोस्पोरी, हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट मीन जब एक प्लांट द्वारा बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स एक से अधिक प्रकार के हों उस कंडीशन को कहते हैं हेटरोस्पोरस कंडीशन। एक से अधिक प्रकार में सब इनका साइज भी डिफरेंट होगा और इनका फंक्शन जो है वो भी डिफरेंट होगा। दो दो तरह के स्पोर्स बनते हैं हम जानते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर्स और एक कहलाते हैं मेगा स्पोर्स। माइक्रो का मीन्स वो स्पोर्स जो छोटे हैं साइज में उनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। माइक्रोस्पोर्स जब भी जनरेट करेगा हमेशा मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, उसके ऊपर एंथ्रेडियम का फॉर्मेशन होगा और एंथ्रोजोइट्स मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार मेगास्पोर जब भी जनरेट करेगा फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा और उसके ऊपर आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं वो सब एक ही तरह के, सारे टेट्राफाइट्स होमोस्पोरस हैं एक्सेप्ट नाइन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसमें से जो हमारे कोर्स में है स्लेजिनेला है, मार्शिलिया है, आइसोइटिस एक होता है, स्टाइलाइटिस होता है, रेग्नोलिडियम होता है, पिलुलेरिया है, सार्विनिया है, अजोला है और प्लेटेजोमा है। ये नौ टेरिडोफाइट्स हैं जो कि हेटरोस्पोरस हैं, हेटरोस्पोरी शो करते हैं। इसके अलावा जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, होमोस्पोरस। तो बाकी जितने भी हमारे कोर्स में स्लेजिनेला की बात करें, एपिसिकम की बात करें, लाइकोपोडियम की बात करें, वो सारे के सारे होमोस्पोरस हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोर, फिर दो टर्म्स जो है जिनके बारे में हम बात करते हैं, और एक होता है स्पोरेंजियम का बीजाणुधानी का डेवलपमेंट किस प्रकार का है। बीजाणुधानी वो संरचना होती है जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अगर ये बीजाणुधानी का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम बीजाणुधानी के डेवलपमेंट क्या रहा, दो कंडीशन है, फिर दो चीजें हैं उनको आपको याद रखना है। एक होता है यूस्पोरेंजियम कंडीशन, एक होती है लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन। यूस्पोरेंजिएट लोअर टेरिडोफाइट्स का करेक्टर, मैंने बताया था आपको जब पिछली बार हमने बात करी, ऐसे टेरिडोफाइट्स जिसमें बीजाणुधानी का निर्माण, यूस्पोरेंजियम है उस पूरी बीजाणुधानी का निर्माण
ग्रुप ऑफ मदर सेल्स मिलकर करती है, मोर देन वन, एक से ज्यादा मदर सेल्स, ग्रुप ऑफ मदर सेल्स, मात्र कोशिकाओं का समूह जब मिलकर पूरी बीजाणु धनी का निर्माण करते हैं उस कंडीशन को कहते हैं यूस्पोरेंजिट कंडीशन, और उसी का एडवांस फॉर्म है लेप्टोस्पोरेंजिट कंडीशन। जब पूरी बीजाणु धनी का, पूरी स्पोरेंजियम का निर्माण जो है वो मात्र एक मात्र कोशिका द्वारा किया जाए, सिंगल मदर सेल, दिस इज सिंगल मदर सेल, एक ही मात्र कोशिका है, इसी में डिविजन्स होंगे, रिपीटेड डिविजन्स होंगे, इसी से इसका वॉल लेयर का फॉर्मेशन होगा, ओरिजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, इसको मदर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब सिंगल मदर सेल से पूरी बीजाणु धनी का निर्माण हो उस कंडीशन को कहा जाता है सॉरी लेप्टोस्पोरेंजिट कंडीशन। लेप्टोस्पोरेंजिट कंडीशन एडवांस्ड कंडीशन है और ये हेटरोस्पोरस पेरिलोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मार्सिलिया है जैसे हमारे कोर्स में, इसके बारे में जब हम बात करेंगे आप देखेंगे कि मार्सिलिया और स्लेजिनेला के अंदर ये जो है लेप्टोस्पोरेंजिट कंडीशन पाई है। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन यूस्पोरेंजिट कंडीशन विद एग्जांपल, बाकी जितने भी हैं आपके जो लाइकोपोडिया है, स्लेजिनेला है, इक्विसिटम है, उसकी आप बात कर सकते हैं, वहाँ यूस्पोरेंजिट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगा स्पोरेंजियम, और यहाँ पर क्या होगा लेप्टोस्पोरेंजिट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। एक चीज जो इसी से रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, और वो है कि अब ये जो स्पोर है मैंने बताया जो जर्मिनेट करता है, स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो स्पोर होते हैं मैंने बताया वो सब एक से होते हैं, उनकी शक्ल भी एक सी होती है, उनकी अकल भी एक सी होती है, मींस दे आर सेम साइज सेम फंक्शन। क्या होता है जब जर्मिनेशन होता है तो एक्साइट टूटती है, एंटायर एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल आती है, न्यूक्लियस अब यहाँ शिफ्ट होगा और अब यहाँ पर होगा रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, और इन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के फॉर्मेशन से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। गैमेटोफाइटिक जनरेशन मैंने बताया था थैलॉइड है भी थैलस फॉर्म में ये होती है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो डेवलपमेंट हुआ गैमेटोफाइट का वो देखिए वो कहाँ हुआ, स्पोर की वॉल के बाहर, और ऐसा डेवलपमेंट जिसमें गैमेटोफाइट स्पोर की वॉल के बाहर बनता है वो कहलाता है एक्सोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का एक्सोस्पोरिक, एक्सो मींस आउटसाइड, स्पोरिक मींस स्पोर वॉल, बीजाणु की वॉल के बाहर जाकर गैमेटोफाइट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, इसके ऊपर फिर जाके सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, एंटीडियम और आर्चिडियम कंडीशन जो होगी वो जाके इसके ऊपर आके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। इसी के एडवांस फॉर्म है एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक में क्या होता है, देखिए गैमेटोफाइट का क्या काम है, गैमेटोफाइट का काम होता है सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ताकि गैमेट्स बन सके। इतना बड़ा गैमेटोफाइट हम बनाते हैं उसके ऊपर जाके आपके सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मूला है वो कंप्लीट होगा। लेकिन ये गैमेटोफाइट चूंकि स्पोर वॉल के बाहर आ गया तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अपने आप को इसको रखना पड़ेगा। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ा सा ज्यादा कोई गड़बड़ हुई, टेम्परेचर बढ़ गया मान लीजिए, पानी कम हो गया, तो इससे गैमेटोफाइट के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसी का एडवांस फॉर्म है और वो है एंडोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। यहां पर क्या होगा, स्पोर वॉल के अंदर ही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एडवांस फॉर्म है, यहीं पर गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, अगर माइक्रोस्पोर है तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, अगर मेगास्पोर है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और यहीं पर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, आर्चिमोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एंथ्रोजोइट्स और एग का फॉर्मेशन। तो जो गैमेटोफाइट होगा वो कहां बनेगा, इनसाइड इनसाइड ही स्पोर वॉल, स्पोर वॉल के बाहर नहीं गया, तो अभी एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाहर मान लीजिए कुछ अगर टेम्परेचर वेरिएशन होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो भी खराब नहीं होगा। दूसरा इसको फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई इसको अपने स्पोरोफिटिक मदर से मिलती रहेगी। तो ये थोड़ा सा एडवांस कंडीशन है, इससे बजाय एक्सोस्पोरिक कंडीशन के बजाय, इसीलिए हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडो एक्सोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दोनों को इसके याद रखें। इसके आगे की जो बात है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।